जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भूल कर भी महिलाओं के लिए एक चीज ना देखें, अन्यथा पुरुष के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। दोस्तों, आपको टाइटल देखने से कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार की चीजें कभी भी औरत के अंदर ना देखें, अन्यथा आप अपने जीवन के अंदर कभी किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा पुरुष रोजाना गलती करता है तो देखते ही देखते उसका जीवन तबाह हो जाता है। उसे अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की कि आखिर आपको क्या नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, घर की महिला को, चाहे किसी भी प्रकार की महिला हो, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर महिलाओं से जुड़ी इन बातों को कोई पुरुष मानता है तो संसार के अंदर उसे हर प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे हर प्रकार के कार्य के अंदर विजय प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का सदैव उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन आप कभी भी महिलाओं के अंदर इस प्रकार की चीजों को ना देखें, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि आपको क्या चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करें तो वो चीज है क्रोध। दोस्तों, माना जाता है कि शांत स्वभाव की महिला जिस घर के अंदर होती है, मधुर स्वभाव जिस महिला को होता है, उस महिला के आसपास अपने आप ही खुशहाली रहती है। उसके पास अगर कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसका जीवन अपने आप ही मधुरमय हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी किसी महिला का आपको क्रोध नहीं देखना चाहिए। अगर आपका किसी महिला के क्रोध से सामना होता है तो दोस्तों, समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब माँ दुर्गा का क्रोध महिषासुर्जनी के रूप में, जब महिषासुर ने देखा था तो उसको उसकी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह दोस्तों, अगर देवी के किसी प्रकार के क्रोध को आपने देखा है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही समाप्त हो गया है, उसका कुछ भी नहीं बचा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी क्रोध स्वभाव की महिला को नहीं देखना चाहिए। आप हमेशा मधुर स्वभाव वाली महिला से ही संपर्क बनाएं और कभी भी महिला का क्रोध ना देखें। याद रहे कि आप किसी भी महिला को किसी भी तरह का क्रोध दिलवाए ही नहीं। इसी तरह दोस्तों, जब संतान को भूख लगती है तब महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तब उस समय दूध पिलाती हुई महिलाओं को यदि कोई व्यक्ति बुरी नजर से देखता है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़े पाप का भागीदार है। क्योंकि दोस्तों, वो महिला एक प्रकार का अपना फर्ज, अपने मातृत्व नियम का पालन करती है, और अगर उस महिला को कोई पुरुष गलत दृष्टि से या जानबूझकर देखता है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़े पाप का भागीदार बनता है। कभी भी दूध पिलाती हुई महिला को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली आने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आचार्य चाणक्य के अनुसार आप इस काम को करते हैं, आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, इसी तरह से आप इस बात का ध्यान रखें
कि अगर आपका विवाह हो चुका है, आप अपने वैवाहिक जीवन में हैं, तो किसी भी अन्य महिला की तरफ या परस्त्री गमन करना बहुत बुरी बात है। साक्षात देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य करते हैं। आप अपनी पत्नी अपने पति के साथ किसी प्रकार का धोखा करते हैं तो समझ लीजिए, उससे बड़ी सजा किसी प्रकार की नहीं हो सकती। देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप कंगाली आने लगती है। आप अपने जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, जब नदी स्नान होता है या किसी भी प्रकार सामूहिक स्नान करते हैं और नहाते हुए किसी भी प्रकार के महिला को देखते हैं, तो आप साक्षात पाप के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन अगर आपसे अनजाने में हो जाता है तो आप अपने मन ही मन देवी शक्ति आदि शक्ति का नाम लेकर आगे बढ़ जाते हैं और वापस उस तरफ दृष्टि नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छे हैं और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जानबूझकर अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप अपने जीवन के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में भी कुछ बातें कही हैं। आपको इस बात का भी जरूर पालन करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां कभी भी किसी प्रकार के अशोभनीय कपड़े ना पहने, जिससे अन्य पुरुषों की नजर या गंदी दृष्टि उन पर पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से आपको हमेशा शोभनीय कपड़े पहनने चाहिए। विवाहित स्त्रियों को कोई भी इस तरह की वस्तु पहननी चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को देखने से लगे कि ये महिला विवाहित है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो ऐसे ही बन जाता है। अगर आप अपने विवाहित जीवन को धोखा देकर पर पुरुष गमन या ऐसी कोई भी गतिविधि करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर सबसे बड़े नुकसान को झेलने का कार्य करते हैं। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। इसी तरह पुरुष भी इस बात का ध्यान रखे कि अगर पुरुष कभी भी किसी महिला को अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसे घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। उस घर के अंदर अलक्ष्मी का वास होता है और देखते ही देखते आने वाले समय के अंदर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं की इस प्रकार की चीजें देखने वाला व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है और उसके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।